Hello students, chemistry chapter 1 is going on continued. Previous 3 videos हमने पढ़ा था about chemical equations, balancing and types of chemical reactions. In this today video we learn about the corrosion इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अबाउट कॉरोशन. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आयरन पर रस्टिंग जब होती है तो जो रस्ट बनता है दैट इज अ ब्राउन फ्लेकी मैटर, उससे हम दोबारा आयरन नहीं बना सकते. इट मींस इट इज अ वॉट ऑफ प्रोसेस इन विच that the elements are react with the atmospheric component. Atmospheric component क्या है, जैसे air है, moisture means water, acids है ना, gases, this are the react with the elements and they are said to be the corroded and the process is corrosion. Example, जैसे हमने examples की बात करें तो first example अभी मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना. अब रस्टिंग, मीनिंग ऑफ रस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज रस्टिंग, तो हम इसको क्या लिखते हैं, कॉरोशन, कॉरोशन ऑफ आयरन विथ मॉइस्ट एयर, कॉरोशन ऑफ आयरन विथ मॉइस्ट एयर. अब यहाँ मॉइस्ट एयर इट मीन्स व्हाट, द टू कंडीशंस मॉइस्चर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर कॉरोशन है ना, और फॉर द रस्टिंग. नाउ हाउ रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, कभी कभी हमको पूछते हैं कि रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है ना. रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज प्रिवेंटेड, तो नंबर वन बाय ऑयलिंग. हम लोग करते हैं ना कई बार आयरन आर्टिकल्स को बाय ऑयलिंग, फिर अपन क्या करते हैं कई बार बाय पेंटिंग है ना, आर्टिकल्स को पेंट कभी करते हैं अपन, और वी कैन से ठीक है ना बाय गैल्वेनाइजेशन. जिंक इज कोटेड ओवर द आयरन बाय गैल्वेनाइजेशन है ना, और बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन. तो दीज आर सम स्टेप्स वी आर टेकन टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब स्टूडेंट्स यहाँ जो रस्ट अभी हमने सुना, रस्ट जो बनता है, इस रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉरोशन नंबर टू, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो लुकिंग सिल्वर आर्टिकल्स, वॉट वी आर लुकिंग, द सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैकिश, कैसे हो जाते हैं ये ब्लैकिश है ना इन एयर. ऐसे हमने एग्जाम्पल पढ़ रखा है अबाउट द कॉपर आर्टिकल्स, कॉपर आर्टिकल्स ठीक है ना, दे आर वॉट ऑफ अपियरिंग ग्रीनिश, कैसे अपियर हो जाते हैं ये greenish appearing. So these are some examples of the corrosion of metal. Now the last topic of the chapter we'll see about the word of rancidity. Rancidity, students, rancid simply अपन कहते हैं spoil. इसका meaning when oily or fatty substances, when oily or fatty substances मतलब अपन फूड की बात कर रहे हैं ठीक है ना, एक्सपोज टू एयर, कहाँ हम इसको एक्सपोज किया, एक्सपोज टू एयर, दे आर वॉट ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड, एंड देयर कलर, टेस्ट
इज चेंज, उनका कलर और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज है ना. इट मीन्स दे बिकम, वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड एंड द प्रोसेस इज व्हाट कॉलिंग ऑफ रैंसिडिटी. उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रैंसिडिटी. व्हेन ऑयली और फैटी सब्सटेंस एक्सपोज टू एयर दे आर ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर कलर एंड टेस्ट इज चेंज, दे बिकम्स रैंसिड एंड द प्रोसेस इज रैंसिडिटी. नाउ फाइनली द लास्ट वी आर सी हाउ रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड, हाउ फूड इज प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी, हाउ फूड इज प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी. फूड को अपन रैंसिड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो देर आर सम मैथड्स. नंबर वन, ओके, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन. नंबर टू, बाय कीपिंग फूड इन फ्रीज. फूड को अपन कहाँ रखते हैं, फ्रीज, दैट इज एट लो टेम्परेचर, इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन. नंबर थ्री, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. एंड नंबर फोर, फ्लश द पोटैटो चिप्स पैकेट्स विथ नाइट्रोजन गैस. दैट नाइट्रोजन गैस, उनमें हम आपने देखा है ना, कुरकुरे पोटैटो चिप्स, इनके जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर गैस होती है नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉट, दैट प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी. सो दीज आर द मैथड्स है ना, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट, बाय कीपिंग फूड इन फ्रीज, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड फ्लश द पोटैटो चिप्स पैकेट्स विथ नाइट्रोजन गैस, दैट्स प्रिवेंट फ्रॉम द रैंसिडिटी. सो दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर और कंप्लीटेड. आई होप यू लर्न वेरी नाइसली. थैंक्स.